प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन फ्रो द पॉइंट 02। पॉइंट गिवन है हमारे पास मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, मीन्स हमें थीटा गिवन है। तो यहां से तो बिल्कुल क्लियर है सिचुएशन, हमें थीटा गिवन है तो हम स्लोप निकाल लेंगे, और पॉइंट गिवन है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म या वन पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म हम इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो इजी है बिल्कुल। अब आप देखेंगे तो इसके सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो यहां तक तो सिचुएशन क्लियर होगी। अब आगे कह रहे हैं आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल किसी और लाइन की इक्वेशन निकालनी है एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, और वो वाई एक्सिस को 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन क्रॉस करे। तो दो पार्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन के हमारे पास। अब देखते हैं बारी बारी, बारी से। हमारे पास गिवन इक्वेशन, गिवन पॉइंट इज, पॉइंट क्यों ना, गिवन पॉइंट इज हम इसको पी मान लेते हैं, तो ये 0 और 2 है एंड द रिक्वायर्ड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 2π/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। तो यहां पे हमारे पास इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया, थीटा आ गया। थीटा इज इक्वल टू 2π/3, मींस यहां से हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन की हमारे पास स्लोप आई कितनी आ जाएगी, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा मीन्स टेंजेंट 2π/3। अब प्यारे बच्चों 2π/3 आप देख लो कितना होता है, 1π/3 60, 2 से मल्टीप्लाई 120। तो 120 को हम लिख सकते हैं π - π/3, 180 माइनस 60, तो 120 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव और नो चेंज, तो ये टेंजेंट π/3 आ जाएगा, और टेंजेंट π/3 हमारे पास √3 होता है, तो -√3। तो ये स्लोप आ गई हमारे पास लाइन की। अब देखो पॉइंट है हमारे पास और स्लोप है। सो द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। यहां से y - y1 पॉइंट देखो हमारे पास 0, 2 है, y - 2 दैट इज m है हमारे पास -√3 और ये x - 0, दिस इंप्लाइज y - 2 दैट इज इक्वल टू -√3x, दिस इंप्लाइज ये इधर आ जाएगा, तो ये √3x + y - 2 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, -2 = 0 भी, या फिर √3x + y = 2 ये भी लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों एक पार्ट तो आ गया हमारे पास आंसर का कि √3x + y = 2 हमारे पास ये आंसर आ गया, एक पार्ट हो गया। अब आगे कहा गया है कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस। अब देखो किसी और लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है, और वो जो लाइन है वो क्रॉस कर रही है वाई एक्सिस को, कहां पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट बिलो। यहां पे अगर हम इस तरह से लगा ले तो ये 1, 2, 1, 2, -1, -2, -1, -2, यहां पे -3, 3, -3, यहां 3, तो 2 यूनिट यहां पे क्रॉस कर रही है वो, कुछ इस तरह से सिचुएशन है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास y इंटरसेप्ट मिल गया ना हमें, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई, -2, तो यहां पे हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। दूसरी बात, जो नई लाइन की क्वेश्चन बनानी है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो नई लाइन की जो स्लोप होगी और जो इस लाइन की स्लोप होगी वो सेम होगी क्योंकि लाइन पैरेलल है। अब हम लिखेंगे सिंस न्यू लाइन इज पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, जो नई लाइन है वो पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन के, सो स्लोप ऑफ
न्यू लाइन इज दैट इज इक्वल टू आई स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, और रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप कितनी थी हमने निकाली थी माइनस रूट थ्री। ऑल्सो ऑल्सो न्यू लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, टू यूनिट वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट बिलो द ओरिजिन। दिस इंप्लाइज वाई इंटरसेप्ट गिवन है हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट दिस इंप्लाइज वाई इंटरसेप्ट जिसको हम सी बोलते हैं, सी की वैल्यू आ गई माइनस टू। तो अब देखो इंटरसेप्ट है हमारे पास स्लोप है तो स्लोप इंटरसेप्ट यूज कर लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन इज, तो नई लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वाई इज इक्वल टू एम माइनस रूट थ्री एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस टू, तो यहां पर हम माइनस टू लिख देते हैं, इसको इधर भी आते हैं तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, और उधर लेके जाओगे तो प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो कंडीशन गिवन है उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये जो हमारे वाली लाइन है वाई एक्सिस को टू यूनिट बिलो द ओरिजिन क्रॉस कर रही है, यानी कि ये पॉइंट हमारा कितना है एक्स तो जीरो है और वाई माइनस टू है। अब देखो हमें पॉइंट मिल गया, यहां पर पॉइंट मिल गया स्लोप का हमें पता है, तो ये वाली फॉर्म भी अप्लाई कर सकते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू माइनस टू तो ये प्लस टू हो गया, m हमारे पास माइनस रूट थ्री है और ये x माइनस जीरो हो गया, तो y प्लस टू दैट इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री और ये x, तो इसको इधर ले आ जाएंगे तो रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से भी यही आंसर आएगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन meets it at the point minus 29, find the equation of the line। तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो प्यारे बच्चों सिर्फ आपको यह समझना है कि जो किस तरह से जो कंडीशन दी हुई है उसको यूज करें। उसने कहा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर किस पे परपेंडिकुलर टू ए लाइन, मान लो ये लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन लानी है और ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है इस पे वो मीट कर रहा है कहां पे माइनस टू और नाइन पे, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ओरिजिन हमारा जीरो जीरो ठीक है। अभी हमने जनरली वैसे ही प्लॉट किया, अब आप कभी इस तरह से कहें कि ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस टू नाइन कैसे आ गया, एग्जैक्ट करना है तो फिर आप उस हिसाब से क्वाड्रेंट के हिसाब से भी, तो सिर्फ इसको समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहां से हमारे पास कोई लाइन है जिससे परपेंडिकुलर ओरिजिन से उस लाइन पे मीट कर रहा है कहां पे माइनस टू नाइन पे, ओरिजिन ओ और वो पॉइंट हमने पी ले लिया ठीक है। अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखो प्यारे बच्चों इस लाइन पे ये पॉइंट रहा, एक पॉइंट है, इस लाइन की स्लोप अगर हमें मिल जाए तो हम इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखो ओपी की स्लोप हम निकाल सकते हैं, टू पॉइंट गिवन है हमारे पास, ओपी इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो लाइन की स्लोप इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, तो स्लोप वाली पॉइंट होगी, यूज कर लेंगे हम उसको, हम उसको यूज कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां से इस कंफ्यूजन में मत रहना कि ये फर्स्ट क्वार्टर में ये पॉइंट किस, सिर्फ आपके समझने के लिए हमने इसको प्लॉट किया है। आप इसको हटा दो एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को हम हटा देते हैं यहां से, लो ऐसे बना दिया, आप कहीं भी बना दो, आप ऐसे बना दो कि ओरिजिन है जीरो जीरो उससे परपेंडिकुलर है किसी लाइन पे, लो ये वो लाइन है
जिस पे परपेंडिकुलर है, कहां पे मीट कर रहा है, पॉइंट पे मीट कर रहा है माइनस टू लाइन पे। तो इस लाइन की, ये जो लाइन एल है, अगर इसको एल मान ले, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हम देखो हम क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ओपी, ओपी की स्लोप या फिर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। तो 9 माइनस जीरो डिवाइड बाय माइनस टू माइनस जीरो, तो माइनस नाइन डिवाइड बाय टू आ गया। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड लाइन, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन That is equal to, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। अब ये जो परपेंडिकुलर है वो इस पॉइंट पे मीट करते हैं, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन मीट्स द लाइन एट नाम दे दे अगर माइनस टू लाइन, दिस इंप्लाइज पी लाइज ऑन द रिक्वायर्ड लाइन, तो पी हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन पे लाई करेगा, तो हमारे पास पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई। सो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म या वन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन है 9, m है हमारे पास 2 डिवाइड बाई 9, x माइनस एक्स वन माइनस टू, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास कितना आ जाएगा 9y माइनस 81, 9y माइनस 81 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इसको भी इधर ले आओ, दिस इंप्लाइज 2x प्लस 4 तो है गया हमारे पास माइनस 9y और प्लस 81 दैट इज 0, तो यहां पे आ गया हमारे पास 2x माइनस 9y, 2x माइनस 9y प्लस 85 दैट इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द लेंथ एल इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रोड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सी। जो एल है वो लेंथ है कॉपर रोड की, और जो सी है वो टेम्परेचर है सेल्सियस में। इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इज इक्वल टू 124.942 व्हेन सी इज इक्वल टू 20 एंड एल इज इक्वल टू 125.134 व्हेन सी इज इक्वल टू 110। एक्सप्रेस एल इन टर्म ऑफ सी, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। तो तेरे बच्चों क्वेश्चन को समझना है, यहां ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया स्ट्रेट लाइन का। क्या कहा है कि द लेंथ एल ऑफ ए कॉपर रोड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सी। इन एन एक्सपेरिमेंट कंडीशन दी हुई है, एक्सप्रेस एल इन टर्म ऑफ सी, एल को सी के टर्म में एक्सप्रेस करना। देखो प्यारे बच्चों
हमारे पास जब जैसे लिखते हैं हम y इज इक्वल टू 2x + 3, तो ये हमारे पास जो y है वो लीनियर फंक्शन है किसका, x का। y है जो हमारे पास वो लीनियर फंक्शन है x का। तो अब यहां से ठीक जैसे y को हमने एक्सप्रेस कर दिया, y को एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ x, यहां पे l को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ c, यानी कि जो c है उसको अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए x सोच ले, और जो l है उसको अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए y सोच ले। कुछ ऐसा हमारे पास सिस्टम है। अब प्यारे बच्चों आप देखो कैसे करते हैं इसको, हम क्या करते हैं, टेक c अलोंग x एक्सिस एंड y, l l अलोंग y एक्सिस। तो c को हम x एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं और l को हम y एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, जो अभी हमने बात की थी। अब आप देखें कि l की वैल्यू, यानी कि थोड़ी देर के लिए सोचे कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 124.942 है व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन c इज इक्वल टू 20। तो यहां पे पॉइंट क्या मिला, दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू 124.942 व्हेन c इज इक्वल टू 20। मींस हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, ये है 20 और 124.942, तो ये पॉइंट मिल गया हमें इसके कोरेस्पॉन्डिंग। सिमिलरली l इज इक्वल टू 125.134 व्हेन c इज इक्वल टू 110। यहां से पॉइंट क्या मिल गया, 110 के लिए कितना, 125.134। तो ये दो पॉइंट मिल गया हमारे पास। अब इसको देखो प्लॉट करके देखो, यहां देखो x की जगह पे हमारा कौन है, c है, तो ये c डैश, ये l और ये l डैश और ये ओरिजिन। अब देखो हम यहां पे 20, 40, 60, 80, 100, 120 ले लेते हैं, यहां पे माइनस में आ गया, -20, -40, -60, -80 एंड सो। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, वैसे इसको थोड़ा सा कम कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज है 124, 125 आसपास ही रहेगी यहां पे ये वैल्यू। तो हम इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहां पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है, 120 और ये 130। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट ले लिया है कुछ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब देखो जब c हमारे पास 20 है तो l हमारा 124 पॉइंट समथिंग है, 20 के लिए 120 यहां कहीं आ जाएगा, और जब c हमारा 110 है यहां पे है, तो ये हमारे पास 125, थोड़ा 110 के लिए ये यहां से आ गया। तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये लीनियर एक लाइन हमने क्रिएट कर ली, ये हमने एक लाइन बना ली, इस पे हमें दो पॉइंट पता है कौन से है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो है हमारे पास कितना, 20 और 124.942, और ये हमारा जो पॉइंट है ये है 110 के लिए 125.134। तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास। एक बार देख लेते हैं फ्रेम में है कि नहीं, तो यहां से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ताकि आप इसको देख पाए। प्यारे बच्चों आप देखें यहां हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, इसको पॉइंट मान लेते हैं ए, ये हमारे पास बी।
तो दो पॉइंट है हम तो लाइन की इक्वेशन बना देते हैं। सो द लीनियर रिलेशनशिप इज क्या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। दो पॉइंट है हमारे पास, अब y की जगह तो कौन है हमारे पास, x की जगह पे तो हमारे पास c है और y की जगह पे l है, तो l माइनस यहां पे पहला पॉइंट यहां से y बन गया, हमारा y बने 124.942 दैट इज इक्वल टू, अभी हमारे पास आ गया 125.134 माइनस 124.942 डिवाइड बाई 110 माइनस 20 और ये x माइनस x1, अब देखो x कौन है हमारा c और x1 कौन है हमारा 20। अब यहां से हमारे पास आ गया L माइनस 124.942 दैट इज इक्वल टू, अब इसमें से यहां से माइनस करेंगे 4 में से 2 तो 2 आ गया, ये 3 आ गया 4 है, 13 में से 4 9 आ गया हमारे पास, यहां हमारे पास 0 रह गई थी तो इससे लेंगे तो 10, 10 में से 9 1 आ गया हमारे पास, यहां 4, 4 में से 4 0, 2 में से 2 0 तो 0 आ गया, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ गया और यहां पे हमारे पास कितना आ गया, ये 90 आ गया, यहां पे हमारे पास 90 आ जाता है इनटू ये हमारे पास है c माइनस 20, ये हमारे पास c माइनस 20 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 90l या फिर नहीं इसको रहने दो क्योंकि हमने क्या करना था एक्सप्रेस l इन टर्म ऑफ c, तो l को इन टर्म ऑफ c एक्सप्रेस करना था, यहां पे ठीक है ये बस L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192 डिवाइड बाय 0.192 डिवाइड बाय 90 और ये C माइनस 20 प्लस ये आ गया हमारे पास 124.942। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, अब अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके इसमें प्लस करना चाहो तो कर सकते हो, अगर इसको यहीं पे छोड़ना चाहो तो आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो। समझते हैं दोबारा, उसने कहा था कि दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाकी से, यहां पे कहा है उसने कि द लेंथ एल इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर, लीनियर फंक्शन है मतलब लाइन, लाइन मतलब लीनियर फंक्शन एक ही बात है, जब लाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं लीनियर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक लाइन बनेगी हमारे पास, यानी कि जैसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन की हम बात करें तो लीनियर फंक्शन ही है एक्स और वाई में। तो यहां पे कहा गया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट एल इज 124.942 व्हेन सी इज 20 एंड एल इज 125.134 व्हेन सी इज 110, तो एक्सप्रेस एल इन टर्म ऑफ सी, तो एल को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ सी, तो बस प्यारे बच्चों आपको यह समझना है कि जो सी है वो हमारा एक्स, एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है और जो एल है वो वाई कोऑर्डिनेट है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहां पे इससे पॉइंट क्रिएट कर लिया, इससे पॉइंट क्रिएट कर लिया, दो पॉइंट है तो टू पॉइंट फॉर्म करके अप्लाई करके उसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी क्वेश्चन नंबर 16 की तरह से ही है। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क, 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 12 पर लीटर, किस रेट से, सॉरी एट रुपीज 14 पर लीटर, एट रुपीज 14 पर लीटर इस रेट से वो बेच सकता है 980 लीटर मिल्क को। ठीक इसी तरह से 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 16 पर लीटर और 1220 लीटर मिल्क को वो 16 लीटर के पर रुपीज 16 पर लीटर के रेट से बेच सकता है। अज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में लीनियर रिलेशनशिप मान के हाउ मेनी लीटर्स
कुड ही सेल वीकली एट ₹17 per liter, ₹17 per liter, इस रेट पे वो कितने लीटर जो मिल्क है उसको सेल कर सकता है वीकली। अब प्यारे बच्चों यहां पर बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है क्वेश्चन हमारे पास। अब यहां पे डिमांड और सेलिंग प्राइस है। लेट अस टेक डिमांड अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेलिंग प्राइस अलोंग वाई एक्सिस। तो इसी तरह से इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा यहां से। देखो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, डिमांड अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेलिंग प्राइस हमारा डिमांड हमारी है। तो हम क्या करते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है एक्स एक्सिस में छोटी वैल्यू ले लेते हैं। लेट अस टेक सेलिंग प्राइस अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिमांड अलोंग वाई एक्सिस। आपकी मर्जी है, वैसे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो सेलिंग प्राइस है वो 14, 16, 17 है। तो यहां पे हम इस तरह से कर सकते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है 14, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये हमने ले लिए। यहां पे -2, -4, -6, -8, -10 एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो एक्स यहां पे एक्स के लोग हमने क्या लिया सेलिंग प्राइस और वाई एक्सिस के लोग हमने क्या ली डिमांड। हमारे पास देखो 980, तो यहां पे हम 100 के ही लगा लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और हमारे पास इस तरह से 1200 और थोड़ा सा और अभी आप आगे ले लेते हैं इसको और ये 1300 है, ये हमने ले लिया। अब आप देखिए फर्स्ट के गिवन कंडीशन कैन बी रिटन इन पॉइंट फॉर्म एज। अब देखो 900 लीटर ऑफ मिल्क इज सोल्ड एट ₹14 per liter, दिस इज प्राइस से पॉइंट हमें क्या मिला। देखो एक्स एक्सिस पे प्राइस है तो 14 और 980। ठीक इसी तरह से 1220 लीटर ऑफ मिल्क इज सोल्ड एट ₹16 per liter, तो यहां से पॉइंट कितना मिला 16 और 1220। तो ये प्लॉट कर दो, 14 के लिए हमारे पास 980 है, 14 अप्रोक्सीमेट प्लॉट कर रहे हैं, हमें कोई ज्यादा इतना ज्यादा सा कंसर्न नहीं है। तो यहां हमने ये पॉइंट ले लिया ए, क्या है ये पॉइंट 14 के लिए 980 और दूसरा 16 के लिए है हमारे पास 1200, यहां से कहीं 16 के लिए हमारे पास यहां कहीं आ जाएगा 16 के लिए 1220, ये पॉइंट आ गया हमारे पास यहां से कहीं। तो लीनियर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, तो ये हमने लाइन प्लॉट कर ली। इस लाइन के ए और बी दो पॉइंट मिल गए हमें, तो बना सकते हैं टू पॉइंट है हमारे पास। सो द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सेलिंग प्राइस कैन बी रिटन एज
क्या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहां पे y माइनस वाई वन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू 980 दैट इज 1220 माइनस 980 डिवाइड बाई 16 माइनस 14 और ये x माइनस 14। अब y माइनस 980 दैट इज यहां से 20 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा और 220 यानी कि 240 हो गई और ये 2 रह गया और ये x माइनस 14 2 पे कैंसिल हो गया। y माइनस 980 दैट इज 120 और ये x माइनस 14 तो y की वैल्यू आ गई 120 इंटू एक्स माइनस 14 प्लस 980। ये रिलेशनशिप आ गया पहले बच्चों डिमांड और सेलिंग प्राइस के बीच में। ये हमारे पास डिमांड और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशनशिप आ गई। आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हो नहीं यहां पे भी छोड़ सकते हो। आगे उसने एक और बात इसमें पूछी है कि कितना जो मिल्क है वो सेल किया जाएगा एट रुपीज 17 पर लीटर। अब यहां देखो एट रुपीज 17 पर लीटर मीन्स वेन एक्स इज इक्वल टू 17 एक्स की वैल्यू 17 दे रखी है तो यहां पे हमें वाई की वैल्यू निकालनी है क्योंकि क्या सेलिंग प्राइस तो हमें पता चल गया तो डिमांड हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये वाई इज इक्वल टू देखो क्या आएगा 120 एक्स 17 माइनस 14 प्लस 980 तो वाई इज इक्वल टू 120 इंटू 3 प्लस 980 तो वाई इज इक्वल टू 360 प्लस 980 तो y इज इक्वल टू 0 14 से 4 और 13 लीटर। सो 1340 लीटर्स ऑफ मिल्क विल बी सोल्ड एट रुपीज 17 पर लीटर। प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास सेम है। बस उसने क्या किया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं उसको हमने हमारे डेली लाइफ से रिलेट कर दिया कि एक बार वो टेम्परेचर और लेंथ से रिलेट कर दिया और एक बार डिमांड और प्राइस से उसको रिलेट कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।